Hello all, hope you all are doing really good today. Myself Manu, welcome back to my channel Speak of Art. So, आज है ट्यूसडे और जिस दिन वीडियो पोस्ट हो रही होगी उस दिन होगा फ्राइडे और फुल ऑन रश है. मेरे हस्बैंड मुझको लेने आए हैं और बहुत ट्रैफिक है. कराची में बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा गंदा वेदर है हर एरिया में. इवन चाहे डिफेंस हो, चाहे क्लिफ्टन हो, चाहे कुरंगी हो, चाहे नाजमाबाद, चाहे गुलशन, हर इलाका बिजली पानी और गंदगी से भर गया है. पहले तो सिर्फ गंदगी होती थी कराची में, लेकिन अब पानी, गंदगी और कीड़े छोटे छोटे जो बारिश के बाद आते हैं वो भी आ गए हैं. सो, बारिश कराची में ना ही आया करे तो बहुत बेहतर है. कराची सिटी में इसलिए बारिशें अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पे बहुत गंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है और प्लस गंदगी तो पहले ही मशहूर है कराची में, वो मज़ीद बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ के रोड्स अच्छे नहीं हैं. इनफैक्ट इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है कि लोगों के घर, लोगों की दीवारें और काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं. या तो बारिशें हों तो बड़ा कोई अच्छा निज़ाम हो आपकी सिटी का, हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही हो स्मूथली, तो बारिशें हों, साफ़ सुथरा हो और ऐसा ना हो कि बारिश होने हो जाने के बाद 10 दिन तक पानी खड़ा रहे, उसमें जो है वो कीड़े उबलने लग जाएं, मच्छर उबलने लग जाएं और फिर जाके जो है वो पानी उल्ली काई बन के जो है वो कहीं सूखे धूप से. एक प्रॉपर सिस्टम होता है आपका, बारिश होती है पानी जो है बारिश होती है पानी आता है तो उस पानी को खुद ब खुद ही एक ड्रेन आउट सिस्टम होता है जो जिस ड्रेन आउट सिस्टम से पानी को चले जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी खड़ा रहे और जो है पानी बीच बीच दिन तक खड़ा रहे और उस इलाके में या कुछ ऐसे स्लम एरियाज जो कराची के पोश एरिया से पास लगते हैं और कुछ ऐसे स्लम एरियाज लिटरली जहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं तो वहाँ पानी खड़ा रहता है. और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ महीनों तक खड़ा रहेगा ये पानी, महीनों तक खड़ा रहेगा. ऑल दो बारिश कुछ आधा पौना घंटा हुई होगी फुल स्पीड में और ये आधा पौना घंटे की बारिश अब ये एक दो महीने की सरदर्दी है कराची शहर वालों के लिए. यस, यू आर राइट. हाँ जी, तो जो डेली वेजेस और ऑफिस गोइंग लोग हैं उनको तो बाहर निकलना लाजमी है, बट जो लोग थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं या थोड़े टाइम बाद निकल सकते हैं इस टाइम पीरियड के, तो बेहतर है कि वो थोड़ा सब्र करके थोड़े दिनों बाद निकल जाएं, थोड़े दिनों बाद अपना काम कर लें. मार्केट से कोई काम है तो वो थोड़े दिनों बाद कर लें क्योंकि दैट विल बी बेटर फॉर देम. मैं आपको यहाँ के हालात दिखाती हूँ, लेट्स वेट. तो ये हैं जी नाले कराची के, जो कि ऑल दो नाले नहीं हैं. और ये है मेन रोड, ये है मेन कुरंगी रोड और इसका ये हालात है. ये पानी में पूरा कल रोड डूबा हुआ था, पूरा का पूरा रोड डूबा हुआ था. अभी तो फिर बेहतर है, अभी ट्रैफिक इतनी है कि गाड़ियां चल रही हैं, नॉट दैट मच स्मूथली बट ये कि गाड़ियां चल रही हैं. सो या मेन कुरंगी रोड का ये हाल है जो कि मेन शहर है, फैसल पे जाके लगता है. सो यस, ये पानी खड़ा रहेगा अब महीनों तक, ये आपके सामने है. और ये मेरे ऑफिस का रूट है तो इसी रूट से हमने डेली जाना है. और ये मैं आपको बता दूं कि यहीं पे रहेगा पानी, इसको कोई ड्रेन आउट नहीं करने आएगा. कचरा पानी में मिक्स हो जाता है और ये मच्छर कीड़े और गंदगी की वजह से मज़ीद जो है लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. सो अवॉइड करें बाहर जाना जितना हो सकता है, जब तक आप लोग एटलीस्ट कर सकते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एज वेल. थोड़ा सा ट्रैफिक खुला मिला और उसके बाद अगेन वही डूबता हुआ कराची, आधा आधा फुटपाथ जो है वो कम्प्लीटली पानी में डूबा हुआ है. और ये हालात हैं कराची, जो इंडस्ट्रियल सिटी है बेसिकली, हद होती है, हद, दीवारें ही टूट गई हैं यहाँ पे. तो वीडियो बना रही हूँ तो माओ ने अपना एक फीडबैक ऐड किया है, मैंने उनको बहुत बोला कि वो बोल दें साथ सामने आके, तो वो ये कह रहे हैं कि कुदरत के निज़ाम के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेबस हो जाते हो. बट जहाँ तक बात है सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम का, तो यस हमारा वो सिस्टम पुअर है, ये बात फैक्ट है कि हम लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि यस हमारी बहुत सारी लैकनेस है, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की और जो इन चीज़ों से एसोसिएटेड कंसर्न पर्सनस हैं उनकी लैकनेस की वजह से ये हालात हैं. ऑल्दो कुदरत की तरफ से जो चीज़ है वो तो हमेशा आएगी ही, और डिज़ास्टर या हरिकेन वगैरह कुछ भी है तो ये तो नगाहनी आफत तो कुछ भी आ सकती है, बट
कुछ प्रिकॉशन मेजर्स या यू कैन से दैट कि आफ्टर मेजर्स जो लेने चाहिए वो हम उन चीज़ों में बहुत पीछे रह चुके हैं। ऑल दो बाकी सिटीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते इकोनॉमी में, उनकी जो आप सिस्टम देख लो वो थोड़े से ऑर्गेनाइज हैं एटलीस्ट एज़ कम्पेयर टू कराची। लाहौर इस्लामाबाद काफ़ी साफ सुथरा है, बट व्हेन इट कम्स टू कराची तो सारा पैसा जो है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है, सफाई सुथराई पे कोई पैसा नहीं लगाता। सो घर पहुँचने वाले हैं, वीडियो को करना चाहिए एंड। फिर से बारिश शुरू हो चुकी है और इट्स ड्रिजलिंग नाउ और आई एम श्योर ये रात तक तेज़ हो जाएगी। सो बस इतना ही कहना है कि अपना बहुत ख्याल रखें और जितना हो सकता है बाहर जाना अवॉइड करें, बट ऑब्वियसली अगर आपकी ज़रूरत है तो आप बिल्कुल जाएं, बट विद द प्रिकॉशनर मेजर्स ज़रूर लें। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो कर दें सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और आई विश यू अ वेरी गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।